किसी से लड़ाई नहीं, मेरे लिए झगड़ा नहीं, मेरा तो जीवन बोनस है, तो मैं तो बम्बो से मर चुका। हाँ, पर जहां राष्ट्र का, जहां देश का सवाल आएगा, अपनी गर्दन बार बार कटवाऊंगा। पर जो व्यक्ति इस देश के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, दिल से कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, देश की सीमाओं की सुरक्षा के ऊपर कोई शक किया ही नहीं जा सकता, पहले ही कह चुका हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर वन शो ताल ठोक के, और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने ठीक वैसे ही घुसपैठ की थी जैसे करीब 902 दिन पहले गलवान में की थी, लेकिन इंडियन फौज पूरे तरीके से मुस्तैद। झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, उसके बाद वही हुआ जो गलवान में हुआ था। 17,000 फीट की ऊंचाई से चीनी सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। उन्होंने सेना के शौर्य का अभिनंदन किया और कहा कि सेना देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है, उनका हम रुख करेंगे। बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन गौरव भाटिया हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, आपको वारिस पठान एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए एआईएमआईएम के स्पोक्सपर्सन हैं, और साथ ही हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब हैं, चेयरमैन है एआईएटीएफ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमएस बिट्टा साहब, हम ये देख रहे हैं कि सेना के शौर्य पर तो यहाँ पर किसी तरह का सवाल है ही नहीं, यहाँ पर सवाल या कटघरे में कोई है तो इस वक्त चाइना और उसकी आर्मी है। देखो त्यागी जी, ना मैं बीजेपी हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है, और मैं कसम इस भारत मां की खाके कहता हूं, कसम, नरेंद्र मोदी के ऊपर सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के, 370 धारा को लेकर के, कश्मीर में आतंकवाद को लेकर के, हम उनके साथ कोई शक नहीं कर सकते, जो मैं भारत मां की कसम खाता हूं। अगर भी डिबेट कहीं यही पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ चाइना और हिंदुस्तान में जो हुआ, हमारे जवान, ये चाइना ने कहा, हमने तो नहीं कहा, चाइना ने पहली बार कहा कि हिंदुस्तान की फौज चाइना में घुस गई, घुसी नहीं घुसी, चाइना ने ये तो दुनिया में बता दिया कि हिंदुस्तान की ताकत, जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, इस आतंकवाद को लेकर बात करता हूं, राजनीतिक लड़ाइयां चलती रहेगी, ये छोटी सी बात नहीं है। आपने देखा होगा गुरतेग सिंह, पिछली बार जब उन्होंने हमला करने की कोशिश की, अकेला गुरतेग सिंह, उसके साथ जवान, 22 चाइनियों को मार करके खंजरों से ठोक दिया था और बोले सोने हल्का नारा दिया था। आज चाइना, आज पाकिस्तान, जो डिबेटे हो रही है, जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, उसको देख के हंसता जरूर होगा। अगर यही चीज होती कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टियां देश के लिए एक हैं, अगर कोई मुद्दे ऐसे हैं, तो हम पार्लियामेंट की एक मीटिंग अंदर बुला के उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, आपने देखा पीछे जब चाइना ने कई गलत हरकतें की, तो चले गए थे चाइना के बॉर्डर के ऊपर, छाती ठोक करके कहा था, चाइना को इशारा किया था, वो 56 इंच की छाती को लेके। हम चर्चा करते हैं, करनी चाहिए, पॉलिटिशियन को कुछ भी बोलने की आजादी है। एक कहा था, अरे चाइना पहली अगर गोली लगेगी तो नरेंद्र मोदी के सीने पे लगेगी, फिर मेरे जवान की तरफ लगेगी, फिर मेरे भारत मां को आ जाएगी। ये कहा था या नहीं कहा था? कौन सा नया साल, कौन सी दिवाली, कौन सा ऐसा दिन अपने घर में बनाया जाता है, जवानों के साथ खड़े होते हैं, क्या कभी नारे ऐसे लगते थे? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जवानों के अंदर जोश देखा जाता है। और दूसरी बात बता दूं, जवानों की तारीफ हम सबको करनी चाहिए, पर मैंने वो भी रोते हुए दिन देखे हैं, उन शहीद परिवारों को देखा है जिनके साथ हम जंग लड़ते रहे, जिनके परिवार रोते रहे, को पूछता नहीं था। और उस वक्त क्या होता था, हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे, और दिल्ली से पूछना पड़ता था, क्या गोली चलाए? अब क्या है, गोली नहीं, अब तू एक गोली चला, तेरी ऐसी की तैसी, तुम्हारे पे 100 गोली चलाएंगे, क्या है या नहीं। जब पाकिस्तान में गए थे नरेंद्र मोदी, हम सबने विरोध किया, और करना भी हमारा हमारा हक था, किया, मेरी बात सुन, किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने दीनानगर पठानकोट की घटना की, क्या उसके बाद उस पाकिस्तान दुश्मन से क्या हमने को वार्ता की?
क्या सदेश ने वार्ता की, क्या नरेंद्र मोदी जी ने वार्ता की, पुलवामा की घटना हुई तब भी सवाल उठते हैं, जब सर्जिकल ऑपरेशन होता है तब भी सवाल उठते हैं, और अगर चाइना की बात होती है सब भी सवाल उठते हैं। वो कहते थे ना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए करदारों से। ये कवि प्रदीप जी ने उस वक्त आजादी के आंदोलन में बोला था। मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मेरे लिए झगड़ा नहीं, मेरा तो जीवन बोनस है, तो मैं तो बम्बों से मर चुका। हाँ, पर जहां राष्ट्र का, जहां देश का सवाल आएगा, अपनी गर्दन बार बार कटवाऊंगा। पर जो व्यक्ति इस देश के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, क्या आज हमारे जवानों की हालत क्या थी? त्यागी जी, मैं पहले ही आपको कह चुका हूं, दिल से कह चुका हूं, कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, देश की सीमाओं की सुरक्षा के ऊपर कोई शक किया ही नहीं जा सकता, पहले ही कह चुका हूं। और जरूर हमारे दुश्मन देश इसको देखते होंगे। अभी आपने देखा अमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि पड़ोसी देशों से रिश्ते बनाने नहीं आते। इस अमर अब्दुल्ला को मैं कहना चाहता हूं, जब यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी तेजी से, जब पाकिस्तान के बच्चे, नेपाल के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के जब बाहर निकले, तो पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान की मां बाप ने कहा, आज अगर ये तिरंगे झंडा ना दिखाया होता, नरेंद्र मोदी ने इज्जत तिरंगे झंडे की ना बनाई होती, तो हमारे बच्चे झंडा वापस ना आते। आज दुनिया के अंदर, मैं फिर कहूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं रहा, दुनिया के अंदर कितनी छवि आज हिंदुस्तान की बनी, और चाइना हमारा दुश्मन देश, ये पाकिस्तान जगह जगह पे कब्जे करने की कोशिश करता है, हर जगह पे पंगा लेने की कोशिश करता है, और उसका ये चेला पाकिस्तान इसके साथ मिला हुआ, जिसको रोज दहाड़ते हैं हमारे जवान, हमारे सीमाओं की रक्षा करने के लिए रोज उसको ठीक करते हैं। ये आज हिंदुस्तान की दुनिया में हालत है। अंदरूनी को बातें हमें करनी चाहिए, जहां तक व्यापार की बात है, कौन सा ऐसा लीडर होगा, कौन सा प्रधानमंत्री होगा, और आज देश का सुरक्षा सलाहकार को देखा, पहले ऐसा कभी देश का सुरक्षा सलाहकार देखा? मैंने बहुत देखे, टेलीफोन टेप करने वाले बहुत देखे, हम सब लोगों के, ऑपोजिशन के, अपनों के बहुत देखे, क्या ऐसा देश का सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो पाकिस्तान में 6 साल रह करके कभी सब्जी बेचते रहे, कभी कुछ और काम करते रहे, जिंदा शहीद की तरह काम करते रहे, आज वो हमें फकर है उस पे, देश का सुरक्षा सलाहकार है। मैं कहूं, हमें फिर विचारना चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति करें, राजनीति करना हमारा कर्तव्य है, एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बात करना हमें आजादी है, पर जहां प्रथम राष्ट्र आ जाए। आपने देखा इंदिरा गांधी ने जब जंग लड़ी थी, जंग जीती थी, क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये तो हमारी दुर्गा है इंदिरा गांधी, ये पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। मैं नहीं इस चीज को मान सकता कि नरेंद्र मोदी पे होते हुए हमारी सीमाओं की तरफ देखो, और हमें एक मिनट त्यागी जी, हमें जरूरत से ज्यादा उकसाना नहीं चाहिए, अंदरूनी क्या है, सुरक्षा के मामले क्या है, ये वो जाने। अगर हम उन चीजों को लेकर जरूरत से ज्यादा शोर शराबा करेंगे, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं। हम तो बोल देंगे, हमारी चर्चा हो जाएगी, हमें दुश्मन सुन रहा है, पाकिस्तान, चाइना, एजेंसी बाहर की सुन रही है, पर हमें कुछ बोलने से पहले हजारों बार सोचना होगा कि ये बोलने से साथ कहीं हमारी देश की सुरक्षा को, हमारी सीमाओं की सुरक्षा को कोई नुकसान तो नहीं होता। हमें बताना है दुश्मन को, हम एक हैं इस देश के लिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हैं। पंजाब में आतंकवाद था ना, रोज जिक्र करता हूं, कौन सी पार्टी इकट्ठी नहीं हुई, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल का हिस्सा, आतंकवाद खराब किया 1 साल में। तो आज क्या हम अपने भारत माँ, दुनिया में एक ही देश है जिसके आगे नाम लगता है भारत माँ, किसी दुनिया में देश में नहीं लगता, वो भारत माँ जो हमें गिरजाघर, जो हमें मजारे, जो हमारे मंदिर गुरुद्वारों को उनकी उनके आंचल में समाये रखे हैं। धर्म तो हमारे अलग अलग हो सकते हैं, उस भारत माँ ने सबको समा के रखा है, उसके लिए
हमें कभी राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहिए। सियासत क्या कर रही है? असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर। यहां सुन रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट यहां पर बिट्टा सर मैं आपका चाहती हूं, आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं उनका दरअसल जो सवाल है वो कह रहे हैं सेना के पीछे मत छिपिए आप, सेना के पराक्रम उसके शौर्य पर तो हमें किसी तरह का कोई शक शुबा है ही नहीं। हम ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसने लेट डाउन किया है, ये आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं डोकलाम की बात कर रहे हैं, वो डैम चौक की बात कर रहे हैं। त्यागी जी मैं आप एक पत्रकार हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं और मेरे लिए एक जज भी है, जो एंकर होता है, जो डिस्कशन आता है वो फैसले करता है गलत या ठीक। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने जम्मू कश्मीर को पिछले टाइम के ऊपर किस तरीके से कवर किया, मौत का कफन बांध करके आपने कवर किया। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या त्यागी जी क्या हम उस योद्धे के ऊपर शक कर सकते हैं? वो अपना जीवन दे सकता है, अपना सिर कटवा सकते हैं नरेंद्र मोदी, पर मातृभूमि की रक्षा के लिए कमजोरी नहीं आ सकती। हमें कोई भी ऐसा पॉलिटिकल बयान देने के लिए हजार बार सोचना पड़ेगा कि आपके बयानों से जो पहले कहा हमारा दुश्मन देख रहा है, आज चैनलों के अंदर सब देखा जा रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या नहीं बोल रहे, और 56 इंच की छाती की बार बार चर्चा चलती। मैं कहता हूं दावे से, मैं बहुत देर से फौज को देखता हूं, मैं उनके परिवारों को देखता हूं, उनके बच्चों को देखता हूं। पहले भी तो था, पहले भी तो जवानों के जब सिर कटते थे पहली बार कहा मैं किस परिवार के घर में नहीं गया या कहा नहीं जाता हूं। आज का किसी के घर में बॉडी आती है तिरंगे झंडे में खून से लिपटी हुई, हाँ दो चार कहीं हमारे जवान शहीद हो जाए हमें दुख है, पर हर गांव में हमारे किसी जवान की बॉडी नहीं आती। नरेंद्र मोदी का ये फैसला है, मेरी जान जाए तो क्लोज करना होगा बिट्टा सर, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। सुरेंद्र राजपूत, गौरव भाटिया और वारिस पठान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।